खरगोन जिला अस्पताल के अस्थायी कोरोना स्टाफ को कार्यमुक्त करने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। इसी क्रम में गुरुवार को कर्मचारी जंगी प्रदर्शन के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे और सर्टिफिकेट की होली जलाई। दरअसल जिला अस्पताल में कोरोना काल के चलते कर्मचारियों को रोटरी क्लब ने कोरोना वॉरियर्स सम्मान के साथ सर्टिफिकेट दिया। वहीं कार्यावधि पूर्ण होने पर हमें हटाकर केवल स्टाफ नर्स को रखा गया। इसी बात पर कर्मचारी भाजपा कार्यालय पहुंचे, सर्टिफिकेट की होली जलाकर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान एक दिखावा था जिसे हमने आग के हवाले किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम नर्सिंग स्टाफ के हैं जहाँ में कोविड 19 में रखा गया था, हम वो लोग हैं। और ये सर्टिफिकेट हमको 15 अगस्त पे कोरोना योद्धा के रूप में सरकार ने दिए थे और सरकार ने अभी हमको हटा दिया है। और हमारे आंदोलन करने के बाद में सरकार ने सिर्फ 35 को वापस रख लिया और 25 को फिर बाहर कर दिया है। तो इस वजह से हमने ये जो सर्टिफिकेट दिए थे सरकार ने, हम इनको जला दिया। सर यही कि जब आप हमें रखना ही नहीं चाहते हैं, सरकार जब हमें रखना ही नहीं चाहती है तो फिर हम इन सर्टिफिकेट का क्या करेंगे? हमारा कोई मतलब ही नहीं ना सर्टिफिकेट। जब हम योद्धा, पहले तो हमें योद्धा के नाम से दे दिया कि योद्धा हो, सरकारी हो, आप बिल्कुल योद्धा हो हमारे। तो अब योद्धा किस काम के हम? सरकार चाहती नहीं हमें योद्धा बनाना, पहले हमको चढ़ा दिया और अब हमें बाहर निकाल दिया। इस वजह से हमने ये सर्टिफिकेट जो सरकार ने दिए थे कोरोना योद्धा के रूप में हमने चला दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।